शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Cheers. Good luck, bhai. Aao. Kya Rafiq bhaiya? Cheers, my man. Ek bad news hai. मखीजा ने प्लॉट देने से मना कर दिया। इतना ऑफर किया था मैंने, कम है क्या?
अभी हमारा पूरा धंधा तो डर पे ही टिका है और ये साला मखीजा हमसे डरता ही नहीं। जब इधर से भेजे में गोली घुसेगी ना, इधर से खुलेगा ठाड़ करके फट के ना दीवार पे, तब ठोक डाल साले को। ठोक डाल साले को, लगता तूने उसे कुछ गाजर मूली समझाया क्या? हाँ कि छीला धोया काटा और खा लिए। शहर का बहुत बड़ा बिल्डर है वो। जो भी था मैंने तेरे को बोल दिया, अब जो डील करना है वो तू करेगा, मुझे मालूम है तू कर सकता है। वरना क्या? देख मुझे जो तुझे समझाना था समझा दिया, अब मखीजा से साइन कैसे कराना है ये तू अच्छी तरह से जानता है। किसी भी हालत में माखीजा से हमें ये जमीन छीननी होगी, वरना। तूने उससे कोई एडवांस में टोको तो नहीं लिया ना? यार मैं क्या करता, मैं तो था नहीं यहाँ। अब गुप्ता आया भर भर के नोट लेके, रफीक को पकड़ा के चला गया, साले ने ले लिया। एक दिए उसने, कल 50 भिजवा देता हूँ सुबह तुम्हारे पास। मैं कुछ और सोच रहा था ना यार, तेरे को कितनी बार मैंने बोला है कि साला डील जब तक फाइनल ना हो तो तू टोकन के पैसे मत ले। साला कल को कुछ खराब हो जाए, इधर से उधर हो जाए, साला रेपुटेशन हमारा खराब होता ना। समझना मेरी बात। समझ गया मैं। पहले ये बता कि तू वहां पे करना क्या चाहता है। यार मैंने वहां पे एक एक बिल्कुल अलग किस्म का रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं यार। सही है, ये सोच रहा था मैं। तेरे को पता ना मेरे को खाना वाना बनाने का शौक है, इसमें हॉबी मैन है ना? सही है। तेरे होते हुए शहर में मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं नहीं, हम दत्ता। तेरे को पता है इस शहर को हम अपनी उंगलियों पे चलाते हैं। चल कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, ये काम हो जाएगा। रफीक एक और ला। गुड गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। सॉरी यार समीर, कल रात में बहुत जल्दी सो गई थी, बहुत थक गई थी। तुमने डिनर तो कर लिया था ना? या माय फेवरेट मैक एंड चीज पास्ता, माइक्रोवेव मैंने खुद ही गर्म कर लिया था। एंड वाज डैम टेस्टी। तुम्हारे हाथों में जादू एकदम ना रेनो। कम ऑन यार समीर, सुबह सुबह मजाक मत करो। और कल रात तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? देखो कुछ महीनों से तुम्हारा लेट नाइट राइडिंग चल रहा है ना, तो जब तुमको मैं सोते हुए देखता हूँ तो बोलता हूँ सोने दो उसको। आई मीन योर वर्क इज इम्पोर्टेंट बट रियली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। मुझे एक बात बताओ, तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? आई मीन हमारी पर्सनल लाइफ मेरे नॉवल के थ्रू मैंने पब्लिक के सामने रख दी। नो, यू सी दिस नॉवल रिक्वायर्ड इट, और जिस तरह से तुमने हमारे एक्सपीरियंसेस से नॉवल में कोलैबोरेट किए हैं, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, इट्स रियली फैंटास्टिक व्हाट राइटिंग, यू नो। आई थिंक यू आर वेरी ट्रू टू योरसेल्फ एंड इट शोज यू नो इन योर राइटिंग, एंड
And the most that I like about you is your straightforwardness. And you're clear in your head. But trust me, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते ना समीर, तो ये नॉवेल मैं कभी नहीं लिख सकती थी. Seriously, जब से तुम मेरी लाइफ में आए मुझे लगता है मेरी जीने का और सोचने का तरीका ही बदल गया है. And I feel so protected in your company. You know, I'm very strict as far as my public duty is concerned. Hmm. And with me, you're totally opposite, है ना? तुम घर में strict क्यों नहीं हो? भाई, I can't help it. हाँ, अच्छा, okay. Hmm. Anyways, what do you want to have for breakfast? Anything, as long as it is not pasta. Oh. तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मजाक करने की आदत कब जाने वाली? कभी नहीं. क्योंकि laughter is the best medicine, ma'am. I know. हर इंसान के जीने का मकसद होना चाहिए. You know, life is beautiful then. महादेव कि मेरा एक पैर इंडिया में हो और दूसरा यूएस में. बस यही सपना है मेरा महादेव. सपने हकीकत में बदलते हैं. ये बात भी सही है. बाहर कुछ भक्तजन आए हैं, अब उन्हें मिलना भी जरूरी है. आ गया है गुरुदेव. जाके आते हैं. महादेव. गुरुजी, मेरी बच्ची कुछ पूछना चाहती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो. अवश्य पूछो बेटा. गुरुजी, मुझे बताइए कि गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु को विच्छेद कर दो, गु और रो. गु का अर्थ है अंधकार और रो का अर्थ है प्रकाश. गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, नहीं तो मनुष्य माया की चादर में लिपटा रहता है और उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता. गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो सत्य और सद्भाव के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त करवा सकता है. जो भी हमारी शरण में आकर अपनी मोह माया का त्याग कर देगा, उसका कल्याण संभव है, अवश्य होगा. हर हर महादेव. गुरुजी, सविता देवी आपसे मिलने आई है. हर हर महादेव गुरुजी. महादेव. गुरुजी, आजकल मेरे पति मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, क्योंकि हमारी शादी को 3 साल हो गए पर अब तक मेरी गोद सुनी है और वो दूसरी शादी करने को कह रहे हैं. अब आप ही बताइए मैं क्या करूं. मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार कीजिए गुरुजी. राहु का दोष दिखाई दे रहा है. आश्रम में रह के सेवा करनी होगी और हमारे आशीर्वाद से तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी. हर हर महादेव गुरुजी. महादेव कल्याण हो.
एक टोपी, एक शब्द झूठ बोला ना तो मैं तुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मक्खी साला बहुत बड़ा बिल्डर है, उसको पकड़ने के लिए मिठो सबूत और गवाह चाहिए। इसे जो भी बोला जल्दी बोल और मेरा टाइम वेस्ट मत करना। सब मक्खी जाके कहने पर ही मैंने समाज सेवक लुइस पिल्ले का कत्ल किया था। मेरे काम का तरीका उसे पसंद आया तो उसने मुझे मुंह मांगी कीमत भी दी थी। अब मैं मक्खी जाके अंबड़ वाले प्लॉट का जो असली मालिक है सतीश मस्के, उसका भी गेम मैंने ही बजाया था। बाद में उस प्लॉट का वारिस कोई ना रहे इसके लिए कोल्हापुर जाकर उसकी बेटी का भी गेम मैंने ही किया था। अच्छा, अब जब तू खुद चोरी में पकड़ा गया है तब तू ये सब बता रहा है, पहले क्यों नहीं बताया बे? हाँ, और अब जब ये बता रहा है तो अब क्यों बता रहा है? मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ झूठ बोलूँगा तो आप मेरी चमड़ी उधरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सही सोचा तूने। चलो अच्छा कि तू ये सब बता रहा है, तुझे मैं बनाता हूँ सरकारी गवाह, हो सकता है तुझे माफ़ी का साक्षीदार बनाते हो। अभी बता दे कि हथियार किधर है। देता हूँ। देता हूँ क्या होता है बे? अभी चाहिए, आज अभी और इसी वक्त। सब सामान मेरा मुंबई नाका वाले ठिकाने पर है, उसकी भी जब्ती देता हूँ। गुड जादव। यस सर। वेपन सीज कर ले और वेपन सीजर का पंचनामा बना ले। ओके सर। मक्खी को पुलिस स्टेशन बुला, तब तक मैं DCP से बात करके कोल्हापुर का फाइल जो है यहाँ पे ट्रांसफर कराता हूँ। जी सर। के बोलो जादव। सर मैंने यूसुफ से वेपन सीज कर लिया है और मखीजा को भी समन भेज दिया है। सर एक इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त मखीजा जुपिटर होटल रूम नंबर 107 में है। ओके फैंटास्टिक। तो हम लोग एक काम करते हैं, समन्स का वेट नहीं करते हैं, सीधा जुपिटर पहुंचते हैं। ओके अभी कितना हो गया टाइम? आधा घंटे में पुलिस स्टेशन पहुँच रहा हूँ, तुम डायरी तैयार करो। सर पवार। सर स्टेशन डायरी तैयार करो। आज सेकंड हाफ में मैंने एक रिपोर्टर को बुलाया है। वो मेरे साथ कवर स्टोरी करना चाहती है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पुलिस स्टेशन पहुँचना मुझे आधे घंटे में। कल रात को एक नया केस आया, किसी को अरेस्ट करना पड़ा है, यू नो। ये कौन सी नई बात है, पुलिस स्टेशन में तो रोज ही इस तरह के केसेस होते रहते हैं, राइट? पर मैं एक बात नोटिस कर रही हूँ कि तुम आज मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो। I mean, is there any problem? No, see, but I'm really happy for you. You know, इतने अच्छे reviews आए तुम्हारे, तो एक अच्छा cover story तो बनता ही ना तुम्हारा, you know? I'm really proud, very proud. But आज थोड़ा जल्दी में हूँ, you know? This case is very important for me. अगर ये criminal अपने हाथ से निकल गया ना, तो तुमको तो पता ही है, ये लोग हमसे एक कदम आगे ही रहते हैं. But मैं शाम तक फ्री हो जाऊंगा, यू नो, फिर डिनर पे चलते हैं। ओके इज ऑल ओके? हां एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। ओके टेक केयर। Yes, gentlemen. बुलाओ उसको, वो डिस्ट्रिक्ट को ले आओ। सर। सर हीरे का क्या करना है, दो दिन से उसे बंद करके रखा है। अरे पड़े रहना था ना उसको यार। जादव वो पार्टी को तैयार करो, we'll have to leave anytime soon. Okay? Go for it. सर। Go for it.
सब। सर हीरे, तेरे से बाद में बात करते हैं, चल चले। इसमें सोचने का क्या है दत्ता? अरे जो बोल दिया वो बोल दिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी भी अगर रेट में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है तो आप करो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे मेरा क्या बिगड़ेगा? बिल्डिंग इंडस्ट्री में हपुन के नाम का सिक्का चलता है, मकीजा के नाम का, और वो सिक्का ऐसे ही नहीं चलता है। On time, baby. Hey, समीर देशमुख, इतने दिनों बाद अपन ऐसे मिलेंगे, कभी सोचा नहीं था। अब मिलना बिछड़ना सब भगवान के हाथ में लिखा हुआ है, हम तो सिर्फ उसके उस ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली है। अभी तक याद है। Good to see you, man. ये क्या लव लेटर? सरकारी लव लेटर है ये यार, ये वो एमओयू है, वो प्लॉट का ना, जो तूने दत्ता को देने का कमिट किया था ना। सौदा पड़ता नहीं खाता तो आदमी फिर भी थोड़ा सोच सकता है, यू नो। दत्ता तो तेरे को कल मिला समीर, पर अपन तो तेरा पहले से ख्याल रखते हैं ना, लेकिन आज तूने मुझे इस तरह घेरे में ले लिया। अरे इसमें घेरे में कहाँ ले लिया मैंने यार, डील कर, खत्म कर बात, यू नो, पैसे ले, प्लॉट दे दे उसको, नहीं तो मुझे बोल। नहीं नहीं, अगर मैं मना कर दूं तो क्या मुझे मार डालेगा? मेरे मरने के बाद क्या महाभारत होएगा इसके बारे में तुझे कुछ पता नहीं। अरे ये महाभारत और रामायण जैसे पवित्र चीजों को हमारे बीच में तो मत लाना यार। बड़ी सिंपल सी बात है, डील खत्म कर, किस्सा खत्म कर, यू नो, और क्या है, तू पैसे ले ले, प्लॉट दे दे, खत्म हो गई बात। जब भी तू तेरे मुंह से ये फूल उगलता है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहता है। तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरी धमकी से डर जाएगा? ना, ऐसा कुछ नहीं होने देगा मैं। ओह हाय, कम यशो। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल।
रेनु जी आपकी लेटेस्ट नॉवल लिव इन रिलेशनशिप कितना सराहा है लोगों ने। कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। तो आपने इस नॉवल से पहले फिक्शन पर काफी काम किया है आई गेस, तो फिर यह एकदम से मॉडर्न समाज की रियलिटी लिव इन रिलेशनशिप का ख्याल आपके मन में कैसे आया? लिव इन रिलेशनशिप भी तो एक फिक्शन है। When you know your relationship is a fiction, deep down you know it. But convincing yourself otherwise becomes a full-time job. The best way to keep your fantasy alive is to have other people affirm how amazing you two are as a couple. So how do you know that you are in a fictional relationship? Good question. Life moves in a cycle, from the one most incredible man to the one most devastating collapse, and right back to the most incredible man. और फिर उस इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब वो फैसला करता है कि बस इससे अच्छा और चाहने वाला और जो उसे अच्छी तरह से समझ सके ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। फिर वो अपने आप को उस इंसान को सरेंडर कर देता है। आज की एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। शहर की मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सुंदर दास मखीजा का पुलिस ने आज जुपिटर होटल में एनकाउंटर कर दिया। क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर समीर देशमुख। आई अग्री, आई एम ग्लैड। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हाय वांडी, हाउ आर यू? हाय रेनू, आई एम गुड। यू रिमेम्बर मखीजा ना? वो फ्लर्टेशियस टाइप आदमी। हम उसका फ्लैट देखने गए थे, हमें बहुत पसंद भी आया था। उसका एनकाउंटर हो गया है पुलिस के हाथों जुपिटर होटल में। What? I'm watching the news right now. Renu, most importantly, मखीजा का एनकाउंटर किसी और ने नहीं, समीर ने किया है। क्या? टीवी चालू करके देखो, the news is still on. देखती हूँ। I'll call you back. Yeah. Is there anything else that you want to ask me? जब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो हमारे ऑफिसर समीर देशमुख और उसकी टीम उसे अरेस्ट करने के लिए निकले। जगह पर पहुंचने के बाद सुंदरदास ने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। मजबूरन हमारी टीम को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें सुंदरदास मखीजा घायल हो गया। उसकी जान बचाने के लिए हमारी टीम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड बिफोर एडमिशन। वाओ, अच्छा लगा क्या? बहुत, थैंक यू। अच्छा ये तुमने कैसे किया? क्या? पहली ही बार में मखीजा तुमसे मिलने होटल आ गया। वेरी सिंपल। पेपर में फोटो छपवाने का शौक किसे नहीं होता। फोन पर अपॉइंटमेंट ली, फिर इनवाइट किया अकेले में मिलने के लिए, और हर मर्द की तरह उसकी भी जुबान फिसल गई। जब टाइम फिक्स हुआ तो बुला लिया, एंड देन जादव को फोन किया, और आगे की स्टोरी तो तुम जानते ही हो। खूबसूरत लड़की किसे नहीं चाहिए, और वो भी फ्री में। उसके बाद तुम समीर के घर चली गई उसकी घरवाली का इंटरव्यू लेने। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो रेनू ने जो किताब लिखी थी उसका इंटरव्यू तो लेना ही था, और दूसरा मखीजा वाले मैटर में कोई मुझ पर शक ना करे, इसलिए भी कहीं वो लड़की मैं तो नहीं। कैसी लग रही हूं मैं? मिस वर्ल्ड। बस करो। बस करो, थक गई हूं मैं। अरे मैं नहीं थका ना, आओ ना। नो प्लीज। फिर वही बात। समीर,
तुम्हारा जो क्रिमिनल्स के टुवर्ड्स एटीट्यूड है ना, आई डोंट जस्टिफाई. व्हाई किल? क्या जरूरत है किसी को मारने की? रेनू, अगर तुम इन क्रिमिनल्स को करीब से देखोगी ना, तो तुम भी वही सोचोगे और करोगे जो मैं कर रहा हूँ. ये लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं. तुमको क्या लगता है कि मुझे गोली चलाने का शौक है? नहीं, लेकिन ये लोग अपनी आदतों से बाजी नहीं आते. हम तो आखिर तक यही कोशिश करते हैं कि इनको कानून के हवाले करते हैं, और ये लोग उल्टा हम पे गोली चलाते हैं. तो सेल्फ डिफेंस के लिए उनको जख्मी करना पड़ता है. फिर ये लोग मर क्यों जाते हैं, जबकि गोली तो उन्हें मारने के लिए चलाई नहीं जाती? दे शुड ओनली बी इंजर्ड, राइट? और हाँ, ये लोग जब तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं ना, तब तक ही जिंदा रहते हैं, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं मर जाते हैं. अब बताओ, ऐसा क्यों होता है? जिसका टाइम आता है वो चला जाता है रेनू. सबका क्या अपना अपना नसीब है. तुमने सुना नहीं कितने पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स की गोली खा के मर चुके हैं? हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है क्रिमिनल्स के साथ में. एक एक बुलेट का हमको हिसाब देना पड़ता है पुलिस डिपार्टमेंट में. बट इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आई थिंक आई शुड राइट अ नॉवल ऑन दिस. व्हाट से? ऑफ कोर्स. ग्रेट आइडिया ना? अब जब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आ गया तो आई थिंक यू शुड जस्ट राइट इट डाउन. थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू. So you be ready, huh? I'm going to eat your brains only on this. Chalega tumhe? Of course. Because you're only going to be my guiding force. Actually, anything for you. सिला है तू, तू हर एक शै में है जलवागर, तू ही लव्स है हर सदा है तू, मेरी धड़कनों में बसा है तू, मेरी जुस्तजू का सिला है तू, तू हर एक शै में है जलवागर, तू ही लव्स है हर सदा है तू, तेरा खुमार में तेरी आशिकी का जुनून है, मैं लुटा हुआ के बहार में, मैं सिमट गया तेरे प्यार में, तेरे इश्क के इस खुमार में, तेरी आशिकी का जुनून है, मैं लुटा हुआ के बहार में, तो लुट गया जी रहा.
नशा है तू, तू है दिल लगी एक अदा है तू, कौन जाने कैसी दीवानगी, एक वफा है या एक सजा है तू, तू सुरूर है एक नशा है तू, तू है दिल लगी एक अदा है तू, कौन जाने कैसी दीवानगी, एक वफा है या एक सजा है तू। मेरा दिल जले तेरी आह में, मैं तो जी के गले में फंदा डालना तुझसे सीखे, एक भी सुराग नहीं छोड़ा। और मखीजा ऊपर आशीर्वाद है गुरुजी। मखीजा के प्लॉट पर मुझे एक आश्रम बनाना है, कीमत से दोगुना पैसा देने को तैयार हूँ, क्या बोलते? मैं समीर को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। अब आप जानते हैं ना गुरुजी वो किस टाइप का आदमी है, डील करने से पहले अपने हिस्से को फाइनल करता है। हम जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे है नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। जबान से फिर जा, मैं बात करके देखता हूँ क्या बोलता है वो। देखो यार, जो चीज हमें प्यार से नहीं मिलती उसको छीन लेते हैं। समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ गुरुजी, मैं आज ही मिलता हूँ उसे। ओके, हर हर महादेव। महादेव Cheers. Cheers, my man. गुरुजी का ऑफर आया है, मार्केट से डबल दे रहा है। अब यार ये गुप्ता कब बिल्डिंग बनाएगा, कब हमको हमारा हिस्सा मिलेगा? मेरी मान तो रोकड़ा कर लेते हैं। गुरुजी इन, गुप्ता आउट। हमारे डील में जो है माल की बात हुई थी, पैसे की नहीं। धंधे में जबान रखना दत्ता। अभी क्या है, तू अपना स्टेटमेंट ऐसे बदलेगा तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता है। फिर वही बात। अरे यार, दोस्ती में पुलिस वाली बात मत कर। हम भी तो पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं ना। अब जिधर से रोकड़ा पहले आता है हम उधर करवट ले लेते हैं। मेरे को वही प्लॉट चाहिए और रेस्टोरेंट भी वहीं बनेगा। अब चाहे वो तेरा ये गुरुजी दे या गुप्ता है, आई रियली डोंट केयर। गुरुजी कोई सड़क छाप आदमी नहीं है कि हम उसे जो बोले वो मान लेगा। समीर, बड़े बड़े नेता और मंत्री उसके पैर के नीचे आके बैठते हैं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उसका। अगर उसने इस पूरे कोर्ट कचहरी को मैनेज नहीं किया होता ना, तो आज तक मैं सलाखों के पीछे होता। गुरुजी का हाथ है इसलिए सीना चौड़ा करके धंधा कर रहा हूँ, और तेरी दोस्ती का साथ है इसलिए आराम से सर्वाइव कर रहा हूँ यार। अब बोल, क्या ये बात मैं गुरुजी को बोल सकता हूँ? तू प्यार से अपने गुरुजी को समझा दे कि गुप्ता प्लॉट ही नहीं दे रहा, और उसको ये भी बोल दे कि अगर हमने उसको प्रेशराइज किया ना, तो जो हमने मखीजा के साथ किया वो सब मीडिया में आ जाएगा। बात करके देखता हूँ। मखीजा केस में ना अभी चार्जशीट फाइल नहीं किया, और तू जो है प्लॉट के बारे में किसी से बात मत कर, मीडिया के प्लॉट पे नजर है, ठीक है? समझा। और वो गुप्ता, उसको बोल अगर वो प्लॉट के आस पास भी नजर आया ना, तो हम लोग सब मुसीबत में पड़ने वाले हैं। हाँ चलो। ओके ठीक है। किसी के अच्छे दिन आए ना आए, तेरे तो आ गए भाई। तू नसीब वाला है, बाबा खान खुद चल के तेरे को मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम लोग यही ठहरो,
बाहर जाकर मुझे भूल मत जाना भाई। ये लो, बाबा आ गए। सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ए, तुम बाहर चलो। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। देखो बरखुरदार। जी बाबा। मैं तुम्हें यहां से बाहर तो निकलवा दूंगा, लेकिन ये जो काम तुम करने जा रहे हो ना, ये मुझे इतना आसान नहीं दिखता। बड़ी जालिम है ये दुनिया। साला जिस पे भरोसा करते हैं वही पीठ में चूरा घोंप देता है। खैर बरखुरदार, तुम फिक्र मत करो, मेरा एक खास आदमी है शर्मा, वो तुम्हें जमानत दिलवा देगा। और बाहर जैसे ही जाओगे मेरे दो आदमी तुम्हें मिलेंगे, एक का नाम है रफीक और दूसरा है सत्तार। जी बाबा। इनका खास ख्याल रखना, बड़े ही काम के आदमी हैं ये और बहुत ही वफादार। और फिर हमारी जुर्म की दुनिया की सब बारीकियों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, समझे। और जहाँ तक शर्मा का सवाल है, उसके बारे में तो यह है कि तू उसके साथ कभी पंगा मत लेना, कभी तू उसे नाराज मत करना, क्योंकि वो बड़े बड़े पुलिस अफसरों को अच्छी तरह से जानता है। नेताओं के साथ बैठना उठना है बड़े काम की चीज है, समझे। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने एक पुलिस वाले पे भरोसा कर लिया था। उस साले ने ऐसी चाबी घुमाई कि अब यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अपनी जिंदगी में कभी भी पुलिस वाले पे भरोसा मत करना, समझे। मेरे बारे में बता दे, नहीं तो मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। क्या करूं गुरुजी, अपने सामने किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं हो रहा है समीर। एक्चुअली वो काम इसी शर्त पर करने को तैयार हुआ था क्योंकि मैंने उसकी डील को हाँ बोला था। आपका ऑफर तो बाद में है ना गुरुजी? कौन नहीं जानता। मैं आपको बता दे, जमीन गुरुजी को दे दी बाद। अरे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। उसको दत्ता, उसको समझा, कायदे से समझा उसे, वरना जेल की चार दीवारी के पीछे चक्की न पिसवाई तो विशंभर दयाल शर्मा मेरा नाम नहीं, विशंभर दयाल शर्मा। अरे हटाइए ना, आप बड़े आदमी हैं, मैं देखता हूँ ना उसको। आपको अपना प्लॉट चाहिए ना, वो मैं करके दे रहा हूँ। बाकी मैं समीर के साथ कैसे डीलिंग करूँगा ये आप मुझ पे छोड़िए। अच्छा, अभी तक तो तू कह रहा था कि समीर मान नहीं रहा है, अब कह रहा है कि तेरे ऊपर छोड़ दूं। गत्ता, कोई नई स्कीम तेरे दिमाग में चल रही है या? सही है गुरुजी, आप ही का छोटा भाई हूं, कभी कभी कोई स्कीम आ जाती है गलती से दिमाग में। मुझे बता क्या स्कीम है। अगर हम गुप्ता को इस डील से हटा दें तो। बात तो तूने 16 आने सच कही। महादेव महादेव, हर हर महादेव।
हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव। जाओ। जो आज्ञा गुरुजी। आश्रम की सेवाएं समाप्त हुई बालिके, हमारे आशीर्वाद से सब कुशल मंगल होगा। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है गुरुजी। तो तेर किस बात की है, आओ हमारे स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें मेरे साथ जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे। नंबर ट्राई कर रही हूँ। आई वाज बीन ट्राइंग, वेयर आर यू? नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ। शॉपिंग करने आई थी सिटी सेंटर में। व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? रेनो, देखो यार, मैं तुम्हारे साथ इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रही हो। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है हमारे। हाँ, और अब तुम मेरे लिए एक अननोन आइडेंटिटी हो और मैं अननोन लोगों से बात नहीं करती, समझे? लूजर। रेनू, अरे सुनो तो। यादव सर, ये राहुल की जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी। हो जाएगा सर। ओके, एट व्हाटएवर कॉस्ट। ओके ओके। अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? सोच रहा हूं कि राहुल को किस लैंग्वेज में समझाऊं। अभी तुम इतना डिसइंटरेस्ट दिखा रहे हो उससे बात करने में, वो फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? आई मीन राहुल एक नंबर का घटिया इंसान है, समझे? और मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की मिस्टेक थी कि मैं राहुल की बातों में आ गई। बट लिसन या, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? वैसे भी सोचो, वो कब तक मेरा पीछा करेगा? हाँ, कभी तो थक जाएगा ना। बैठो। रेनु, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ऐसे सेडिस किस्म के लोगों को समझाना इतना आसान काम नहीं है। इनको रास्ते पे लेके आना पड़ता है, यू नो। आई मीन इट मस्ट बी सो एम्बैरेसिंग फॉर यू, यू नो। लेकिन तुम घबराओ नहीं, राहुल के वेयरबाउट्स का पता लगाता हूँ, उसको मैं अपने लेवल पे हैंडल करूँगा। नो या नो, उस गंदे आदमी के लिए तुम अपना वक्त खराब करोगे। एक सही वक्त आने पर हम इसका लीगल सोल्यूशन ढूंढेंगे। और ऐसे भी हमारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, चलती भी रहेगी। ऐसे लोगों के लिए हम अपना वक्त क्यों खराब करें? I know, but it's very important for me कि मैं उसका पता लगाऊं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की साइकी जानता हूं मैं, you know, they can be very dangerous. देखो, अभी तुम घर पर ज्यादा अकेले रहती हो, you know? I don't want you to be in any harm, you know? तुम्हें कुछ हो गया तो
तुम सही कह रहे हो समीर, लेकिन प्लीज इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई एम टू टायर्ड एंड वाई शुड वी स्पॉइल आवर टाइम फॉर सच पीपल? या इट शुड बी ओनली यू एंड मी। सर बिलीव मी, मैं आपसे जरा भी झूठ नहीं बोलूंगी। सर हम पिछले कुछ महीनों से एक साथ जरूर रह रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक शादी नहीं की। चुप कर बे। तुम लोगों ने शादी नहीं की, ये मेरा प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग प्यार करते हो, क्या करते हो, उससे मुझे कोई मतलब है क्या? हाँ, कल राहुल ने एक लड़की को सेंट्रल शॉपिंग मॉल में रोका और उसे परेशान किया। Are you aware of this incident? No, sir, I'm not. देखो, अभी तुम दोनों इस वक्त सेफ जोन में हो, लेकिन ऐसे चलता रहा ना तो बहुत जल्द डेंजर जोन में आ जाओगे। Are you getting what I'm saying? सर राहुल कहाँ जाता है, क्या करता है, वो सच में मुझे कुछ नहीं बताता। मैं बता रहा हूँ ना। मैंने बता दिया ना अभी, तो ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? हाँ, और तुम जिस अनाथ आश्रम में काम करती हो वहां पे क्या क्या हो रहा है वो भी हम सब जानते हैं, लेकिन तुम तो ये कहोगी कि तुम्हें कुछ पता नहीं। हाँ, इसलिए तुम अपने प्यारे राहुल को समझा दो, नहीं तो तुम जाओगी जेल और वो जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने जिस दिन डिसाइड कर लिया ना तुम्हारे आश्रम की तरफ चल पड़ना, तो उस दिन हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी जो प्रवचनों की आड़ में तुम्हारे जो गैर कानूनी धंधे चलते हैं ना, वहाँ पे वो सब पब्लिक के सामने आ जाएगा, अंडरस्टैंड? और तुम्हारी ये गुरुजी गुरुजी कितने भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, वो हम तक पहुँच नहीं पाएंगे। अभी फैसला तुम्हारा है, क्योंकि मुझे जो कहना है मैं कह चुका हूँ। ओके? But sir, listen to me at least. Actually, just get out from here. और सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ओके? चला गया ना। लड़की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू आगे चल के किसी मुसीबत में फंस जाए। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, तू उसे भूल जा। आई एम रियली सॉरी। क्या? क्यों? मैं अंदर नहीं आ सकती। हाँ, क्यों? क्यों नहीं आ सकती? क्यों? इस वक्त तुम्हारा बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट काम चालू है। हाँ, तुम्हारे ये कपड़े और इस कमरे की हालत देखकर ही मैं समझ गई थी कि अंदर क्या मीटिंग चालू है। इससे पहले कि मैं तलाशी लूं और उसे धक्के मारकर बाहर निकालूं, उसे बाहर निकाल और जाने को बोल। तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। सलोनी,
बाद में फोन करता हूँ मैं। तो ये गुल खिला रहे तुम मेरे पीछे से? हाँ, और मुझे लगता था कि तुम मेरे अलावा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते दत्ता। अरे मैं ऐसे बैठ के बात कर रहा था। देखो तुम ऐसे गुस्सा मत हो प्लीज, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो अब बिगड़ चुकी है, और मुझे हाथ मत लगाना। एक औरत के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती दत्ता। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी दत्ता। I hate you. तू मेरी औरत तो है नहीं, और अगर होती भी और मुझ पे इस तरह से चिल्लाती तो मैं तुझे बाहर कर देता। अरे यार मैं तुझसे इतने प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तू बात ही नहीं समझती यार। बनना भी नहीं है मुझे तुझ जैसे आदमी की औरत। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ आज तक जो भी तुमने मुझे बोला वो मैंने माना ना? मैंने किया ना? किया कि नहीं तुम ही बताओ, मैंने किया कि नहीं? और जो तुमने बोला वो मैंने नहीं किया। हाँ बोलो, और क्या मिला मुझे? हाँ देखो बस करो आप, ये बहुत हो गया, अब आगे एक भी शब्द बोला ना तो क्या करेगा तू? हाँ बोल, क्या करेगा बोल? तू जा यहाँ से। मारेगा मुझे? मार, मार मुझे दत्ता, मार। तू जा यहाँ से, बहुत हो गया, तू जा। अब यहाँ रुककर भी मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं अंजना बोल रही हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू रेनू जी, इतनी रात गए मैंने आपको फोन किया, पर बात ही कुछ ऐसी है, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे जल्दी नहीं मिले तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आप काफी टेंस साउंड कर रही हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? इज इट पॉसिबल टू मीट राइट नाउ? अभी नहीं, नहीं अभी तो काफी देर हो चुकी है। आई थिंक कल मिल सकती हूँ मैं आपसे। कल? ओके फाइन, बट प्लीज Don't forget. Yeah, but you take care of yourself, okay? See you tomorrow. Okay. Yeah? Good night. एनआरआई कपिल का क्या सीन है? वो तो काफी दिनों से होटल में ही ठहरा हुआ है। बनवाओ एडॉप्शन के पेपर्स और बच्चा दे दो उन्हें। और वैसे भी अपना काम तो हो चुका है, ट्रांसफर हो चुके हैं। ये कमबख्त राहुल ना, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा क्या कर दिया उस नमूने ने? अपनी एक्स वाइफ का पीछा किया, उसे छेड़ा, और उसके चक्कर में वो दो कौड़ी का पुलिस इंस्पेक्टर मुझे लपेटने के चक्कर में था। कौन है वो? वही समीर देशमुख, जिसके साथ राहुल की एक्स वाइफ रेनू रह रही है। यू डोंट वरी, महादेव से कहकर उसको इतना लंबा फिकवाऊंगी, इतना लंबा फिकवाऊंगी कि समेटते समेटते हर हर महादेव के पास पहुंच जाएगा। हाँ ये बहुत जरूरी है। उस दो कौड़ी के इंस्पेक्टर ने ना मुझे धमकी दी है कि वो हमारे सारे काले धंधों के बारे में जानता है। उसकी इतनी हिम्मत, उसे नर का रास्ता ना दिखाया तो मेरा नाम भी हनी नहीं। हनी जितनी मीठी है ना, वक्त आने पर उतनी ही। What will you have? Thank you so much, Renu ji. It's so nice of you. Renu ji, आपने पहले मुलाकात में ही मुझे अपना कीमती वक्त दे दिया। I'm so grateful to you. No, it's not that way. Actually, phone पे तुम इतना ज़्यादा परेशान sound कर रही थी कि मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी help करनी चाहिए। Actually, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। बात ही कुछ ऐसी है। जो भी है, खुल के बताओ। You can trust me. मेरे पास एविडेंस है जिससे ये प्रूव होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स शहर में हो रहे क्राइम में क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्व्ड है। कुछ ऑफिसर्स?
You mean to say Sameer has some sort of involvement in crime? कुछ कहने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो, कहीं तुम्हारी एविडेंस में या इंफॉर्मेशन में कोई लूपोल नहीं हो। एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाने का अंजाम जानती हो तुम? तुम्हारे आने वाले कल की दिशा बदल सकती है। मेरे पास अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं होता ना, तो मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आती और ना ही आपसे ये सब बोलती। मेरे पास एविडेंस है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। एक्सक्यूज मी, यू आर हियर बिकॉज आई अग्रीड टू मीट यू। मुझे मालूम है कि आपको ये सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा है और लगना भी चाहिए। आप बस एक बार समीर से बस एक बार फोन लगाकर पूछ लीजिए कि उनके और दत्ता के बीच क्या रिलेशनशिप है। एक्चुअली वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ना मैं आपको बताती हूँ। दोनों बचपन के दोस्त हैं और क्राइम में पार्टनर्स भी। और एक बात तो ध्यान रखिए रेनू जी, कोई भी बिना पुलिस सपोर्ट के डॉन नहीं बनता। सुंदर दास मखीजा मरा नहीं है, मरवाया गया है। दत्ता के कहने पर समीर ने मारा है उसे। मखीजा के मरते ही दत्ता उस प्लॉट का मालिक बन गया है और आपके समीर को बदले में उसी प्लॉट पर एक रेस्टोरेंट दे रहा है। और इस बात का प्रॉपर एविडेंस है मेरे पास। तो अब इस पार्टनरशिप को आप क्या कहेंगी रेनु जी? गेट लॉस्ट। भाई बहना, हमारे देश के कोटी-कोटी गरीबों दो रुपये में, तीन रुपये में खाना मिलता है। सरकार उसके लिए बहुत बड़ा आपूर्ति करता है, लेकिन इसकी क्रेडिट सरकार को नहीं। स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, मैं हूँ किरण भारद्वाज। कई बार मन ये सोचने लगता है कि हम व्हाट हैपेंड, व्हाई सो सीरियस? हेलो मैडम, सब ठीक तो है? समीर, मेरी लाइफ तुम्हारे सामने एक ओपन बुक है जिसे तुम पूरी तरह से रीड कर चुके हो, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारी लाइफ के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, जानना जरूर चाहूंगी। अभी मेरे लाइफ के बारे में जो भी तुमको बताना है वो बता चुका हूं मैं रेनू। मेरी वाइफ थी प्रीति, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या फोर्स में नया नया भर्ती हुआ था, बहुत सारा काम था, यू नो, रोज रात को लेट आना, ड्यूटी के प्रेशर्स, यू नो, मेरे मूड चेंजेस, बिहेवियर्स, पर थिंग, यू नो, शी कुडंट कोप विद इट, यू नो। और उससे सुसाइड कर ली, पुअर गर्ल, वेरी सैड ना समीर? पुलिस की नौकरी सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा के लिए की जाती है, लेकिन जब पुलिस ही एंटी सोशल एलिमेंट्स का साथ दे तो सोचो इस देश का क्या होगा। दत्ता शहर का बड़ा क्रिमिनल है और तुम्हारे बचपन का दोस्त भी। पुलिस के लिए कितना आसान है ना एक प्लान मर्डर को एक जेन्युइन एनकाउंटर में बदल देना। एम आई राइट समीर? मखीजा मरा नहीं है, मरवाया गया है। Who told you all this? किसने कहा तुमसे ये सब? किसने कहा? मैटर नहीं करता है समीर, जो सच है वो इम्पोर्टेंट है। तुम तो मुझे सच बताने वाले हो नहीं, तो ये सब बातें मैं तुमसे करूँ ही क्यों, है ना? लिसन, रेनू पुलिस की ड्यूटी इतनी आसान नहीं जितना ये लोग समझते हैं। मुझे पता है। सी दत्ता इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, ये बात सच है। और उसके आगे की भी सारी बातें सच है ना? Renu, I've got a confession to make. जब मैंने फोर्स ज्वाइन किया था तो खून में गर्मी थी और पैसे कमाने की चाह एकदम सातवें आसमान पे थी।
सोचने का वक्त ही कहाँ था, जो सामने आया उसके पीछे भागता रहा मैं। और प्रीति के प्यार को नहीं समझते हुए मैंने दत्ता की मीठी बातों में आने की गलती की। I don't really feel bad about it, you know. और मैं तुम्हें तुमको बिल्कुल खोना नहीं चाहता हूँ मैं। And I promise कि मैं बस वही करूँगा जो कानून की नजरों में मान्य है। समीर, हमारे रिलेशनशिप की ब्यूटी यही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। And we are honest towards each other. मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम इल्लीगल काम कभी नहीं करोगे। ओके, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। प्लीज समीर, प्लीज। समीर आ गया भाई। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि आज के बाद मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगा। क्या? बस अब मेरे जीने का तरीका बदल गया। अच्छा, तो मैं भी तो जानू कि अब क्या है तेरे जीने का तरीका। देख दत्ता, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, पर अब बस ये साथ में काम वाम नहीं करेंगे। जुबान चला लेने से काम नहीं हो जाता समीर। दोस्त के अलावा हम धंधे में पार्टनर्स भी हैं। ये रिश्ता ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अगर रिश्ता खत्म कौन कर रहा है? रिश्ता है, रहेगा, बस ये साथ में काम वाम नहीं होएगा अभी। मेरे दिमाग का कंटर ऐसे तू मत घुमा वरना आधी सिटी को ठोक डालूंगा मैं। अरे दोस्त है यार तू मेरा, एक बार सोचने का वक्त तो दे। देख ठंडे दिमाग से काम ले। मैं अभी भी कह रहा हूँ तू ये फैसला वापस ले ले। हम कुछ और तरीका निकालेंगे यार, कुछ और ढूंढेंगे रास्ता। देख तेरा अभी मूड ऑफ है, तू घर पे आ जा, आराम से बैठ। समय बदल गया दत्ता, जो समीर कल था वो आज नहीं है। तुझे क्या लगता है तू मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा या इस पूरे शहर में मेरा डर खत्म हो जाएगा? म्यूनिसिपल स्कूल से लेके यहाँ तक का सफर मैंने अकेले तय किया है, लेकिन तू एक सरकारी क्वार्टर से बंगलो तक का सफर मेरी वजह से तय किया। तुझे पैसे कमाने मैंने सिखाए हैं। अबे थोड़ा चीखना चिल्लाना बंद करना है यार दत्ता, तेरे को पता मेरे को ये सब पसंद नहीं है। क्या कर रहा है? बात करता है। ये रेनू के साथ जो तू ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है ना, उसकी वजह भी मैं हूं। रेनू को बीच में लेके आएगा ना दत्ता तो मैं भूल जाऊंगा कि हम तुम कभी दोस्त थे। चल तेरी असली औकात पता चल गई, देखता हूं तू क्या करता है। मैंने कहा था ना थल्ले की दोस्ती मत करना, जिसे हराम के खाने की आदत पड़ जाती है ना उसे शराफत की रोटी नहीं पचती। मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, साले ने मेरे दिमाग का कंटर जो घुमा दिया। अब अचानक से कोई आके आपसे आपका धंधा बंद करने की बात करे तो यही होगा ना गुरुजी? मेरे जगह कोई भी होता तो ये गलती करता? तेरी गलती ये नहीं है, तेरी गलती ये है कि तूने उसे जिंदा कैसे जाने दिया। दत्ता मैं तेरी जगह अगर होता तो उसके खोपड़ी में इकट्ठा कर देता। टनल आर पा दत्ता, इसमें से गुप्ता का टोकन वापस कर देना और
ईश्वर न करे कभी आफत के बादल तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे हैं तो उन्हें छांटने के लिए मैं जरूर आऊंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी, चीयर्स। जी हाँ। अभी गुप्ता को फोन कर, उसको बोल हमसे रास्ते में मिले। उसका हिसाब किताब आज रफा दफा कर देते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। और फिलहाल इस ठुल्ले से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। राहुल को दूर गगन की छांव में पहुंचा था, फिर से चाहे धरती खा जाए चाहे आसमान निकल जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। और तुम तो इस हुनर में मास्टर हो। अगर मैंने उसकी अकड़ ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी हनी नहीं। मखीजा मर्डर केस की फाइल ठंडी हो गई है भाई, आप कहें तो प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू करें। अब पेपर वर्क करने में भी तो काफी टाइम जाएगा। मेरी मान तो इस प्लॉट को भूल जा प्लीज। भाई क्या कह रहे हैं आप, आज सारी बिल्डर लॉबी को पता है इस प्लॉट को मैं डेवलप कर रहा हूँ। अरे मेरी मार्केट में बैंड बच जाएगी। जाने तो जाने यार के, अगर मखीजा मुझसे डील कर लेता तो मैं प्लॉट तुझे दे देता, मगर ऐसा हुआ नहीं। तेरा एडवांस वापस कर रहा हूँ, 10+ करके रख ले। ज्यादा सोच मत गुप्ता, वरना तेरी इज्जत का पंचनामा बना के तेरे ही दरवाजे पे ठोक डालूंगा। पूरी हिंदी डिक्शनरी में एक ही शब्द से नफरत है मुझे, ना। मियाँ आज की महफिल का आगाज एक शेर से करता हूँ। माटी मिलो वावा तो बोलो रे, ऐसा बोलो अच्छा लगता है। देखो एक शेर छोड़ रहा हूँ, पकड़ो। शेर देख के छोड़ना, मेरे को दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर शेर मेरे को खा गया तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। खामोश, बिना पैंट की कमीज शेर सुनने का सीख ले तमीज। शेर अर्ज किया मियाँ अब बोलो वाह वाह, ऐसा बोलो अच्छा लगता है। शेर सुनाता हूँ, कत्था सुपारी बन के मेरे पान में आओ, कत्था सुपारी बन के मेरे पान में आओ, चुपके से मेरे दिल के मकान में आओ, मैं हसीनाओं को कीमा कलेजी उधार देता हूँ, बस खुशबू लगा के कल्लू की दुकान में आओ। मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आती है टिकती नहीं, भाग जाती है। कल्लू मैं कह तो सही रहा है। आज कल की पोटियाँ जरा सी बात पे दिल तोड़ देती हैं, नया मिलता है तो पुराना छोड़ देती हैं। मियाँ मेरे को भी छोड़ी, एक फिल्म की हीरोइन छोड़ी, चार लाइन सुन लो। पहले तो उसने काटा प्यार से केक, पहले तो उसने काटा प्यार से केक, फिर मैंने दिया उसको 50 लाख का चेक। चेक कैश होते ही उसकी किस्मत जाग गई, मेरे पैसे लेके वो हीरो के साथ भाग गई। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। देख मुन्ना, आपा को गुर्दा कलेजी और चाप बरोबर से देना। आपा, वो खूबसूरत लड़की नहीं आई आपके साथ? वो बीमार है। वो बीमार है? अरे मैं फ्री इलाज करता हूँ, उसको बोलो। आप सुनी नहीं, नीम हकीम खतरा है जान, लड़कियों के लिए हाजिर है कल्लू पहलवान। जाओ आपका पार्सल ले लो। जी भाईजान। देखे मियाँ, इज्जत कमाना आसान काम नहीं, लगे बंधे ग्राहक हैं मेरे है। मेरे नाम से माल बिकता मियाँ, बड़े बड़े घरां की औरतें आती है भाई। अपनी समस्या निपटाने को है। अपना घर बसाने को, अब पैसा लेने को नहीं, पैसा देने को। कल्लू भाई ये आवाज किधर से आई?
यहाँ से आई है कल्लू भाई जी। आदाब। एक मिनट, क्या मियाँ सुबह सुबह आ जाते हो मेरा दिमाग खाने को, मुफ्त की चाय पीने को, मेरा मुंह खुलवाने को और सौ सौ झूठ बुलवाने को? चलो कोई काम नहीं, भागो। चलो भैया, आप यहाँ आने की तकलीफ क्यों किए? मुझे हुकुम करते मैं खुद हाजिर हो जाता आपकी खिदमत में। कुछ बातें फोन पर नहीं होती कल्लू भाई। ऐसा क्या? मैं समझा नहीं। गाड़ी में बैठिए, समझाती हूँ। चलो आइए। छुट्टे मार्केट में मिलते कहाँ हैं? सोनू जरा। जी। देखा कल्लू भाई कितना मुंह चला है, हम समझ रहे थे फेंकता है आज तक, लेकिन आज पता चला कि हीरोइन के माफिक आइटम उसके टच में है। बिल्कुल सही कह रहे हो मुमताज भाई। मैडम जी समझो आपका काम हो गया, और ये काम करेगा मेरा जिगरी पिछले जन्म का दोस्त राजू हटेला। बस यही चेक आदमी है मेरी नजरों में, जिसकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। पर एक खतरा है मैडम, अगर ये पकड़ा गया तो नीली गड्डी मेरे घर को आने को और मुझे जेल तक ले जाने को। नहीं नहीं कल्लू भाई, आप डरो मत, आपको हमारी पहुंच का अंदाजा तक नहीं है। रही बात शासन और प्रशासन की, तो वो हनी के कब्जे में है, और पुलिस स्टेशन को अपने काबू में करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो मैं कब का कर चुकी हूँ। क्योंकि हनी जितनी मीठी है, वक्त आने पर उससे कहीं ज्यादा तीखी हो सकती है। आप बस ये 25 लाख का फुल एडवांस रखो, और ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ज्यादा सोचना सेहत और लक्ष्मी दोनों के लिए हानिकारक होता है कल्लू भाई। और रही एक और बात कि आप अपना कमिटमेंट पूरा करो, हम अपना करेंगे। खुदा हाफिज। हर हर महादेव। जी खुदा हाफिज। उसका ऊपर का माला खाली है क्या? हमारा टोकन वापस किया? हमारे बिजनेस में टोकन वापस करने का मतलब मालूम है ना? डायरेक्ट टिकट टू ग्रेवयार्ड। ठीक कहते हैं भाई जी, प्लॉट यदि हमारा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होने देंगे। मैं तो कहता हूँ मखीजा मर्डर केस की फाइल को हवा देते हैं, ओपन करवाते हैं। फाइल तो अब खुल के रहेगी। उस देशमुख के बच्चे को अगर जेल की हवा नहीं खिलाई ना, तो मेरा नाम भी हुकूमत राय नहीं। आपने कह दिया। हम मान लिए। आगे से फोन मेरे खाचे वाले नंबर पे ही करना। क्या हुआ राजू भाई? पागल है क्या यार, कब्रिस्तान में आके कोई ऐसे आदाब, ऐसे कोई डराता है क्या? एक तो रात भर सोया नहीं भाई, दादाजी से बात कर रहा था यार। तू जो ये आइटम लेके आया ना, उसके बारे में पूछ रहा था। दादाजी ने मेरे को बोला, देख भाई राजू तेरी बॉडी है नहीं मारने काटने की, समझाना, ये मच मच छोड़ दे, तू भला तेरे पत्ते भले। भाई अपने को दो का चार, चार का आठ करने में मजा आता है, ये काम में इंटरेस्ट नहीं है। चल चल राजू भाई, कब तक धोखे चार करेंगे, 50 अंदर 100 बाहर करेंगे, मेरी बात मान जाओ। खर्चे चर्चे दोनों कम नहीं हो रहे बाबा। देखो माल नकद आया है, काम कर डालो। वैसे भी मैं किसी को बताने वाला नहीं, आपकी फौलादी बाड़ी की कसम। ए भाई पूरे देश को मालूम है गोडसे को छोड़ के कि गांधी बापू मान है, समझा? लेकिन ये काम में दादाजी मेरे को बोल रहे पकड़े जाने का 100% चांस है, छोड़ना मच मत, चलना भाई चाय पीते। भाई जरा मैं, यार दादाजी, मैं एक बात बोलता हूँ, आपका ज्ञान टटोलता हूँ। गुरु जी को जानते क्या? गुरु जी ने भाई, गुरु घंटाल बोल उसको दादाजी, ये आदमी एक नंबर का कमीना है, बहुत बड़ा काला टोपी, भाषण दे दे के पब्लिक को चूहे उल्लू उल्लू बनाता है। सॉरी दादाजी, पब्लिक को उल्लू बनाता है,
और वैसे तो बोलते हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं दादाजी, लेकिन ये गुरुजी जिसकी बात कर रहा है ना, उसकी पोच पुलिस के हाथ से भी लंबी है, तभी तो जेल में नहीं सड़ रहा है। ये मेरे को एक बात बता, ये अपने देश में बाबा लोग गुरु लोग का ये पॉलिटिकल वालों के साथ कभी कनेक्शन खत्म होएगा क्या? बिल्कुल सही समझा। फिर गुरुजी का है वो हन्नी, हर वक्त रहती है बनी ठनी, वही रोकड़ा लेकर आई कमिटमेंट की राजू, वो पुलिस थाने को सेट करके काम करेगी, तेरे पर आँच नहीं आएगी, और पैसा भी नकद देकर गई। अच्छा साला, ये मतलब तूने रोकड़ा एंटी कर लिया, इसलिए तो इतना मेरे को, रुक जरा पूछने दे दादाजी, वो हाँ पूछ तो सुन रहे दादाजी, पूछ रहे गुरुजी सब संभाल लेंगे ना? गुरुजी की चेली हनी ऐसा चमत्कार दिखाएगी, आपको जरा भी आँच नहीं आएगी। मेरे को एक बात बताइए, हनी गुरुजी की प्राइवेट लिमिटेड है क्या? क्या हुआ? अरे दादाजी इधर आ। अच्छा हाँ? हनी जो है वो गुरुजी की अकाउंटेंट। अकाउंटेंट? अरे अकाउंटेंट मतलब गुरुजी की ब्लैक मनी को वाइट करती है, बूढ़ों को जवान और ढीलों को टाइट करती है। दादाजी कब्र में से निकल के कान के नीचे बजाएंगे तेरे को, तीन में बोल। सॉरी दादाजी। लोग पैसा खर्च करके हनी खरीदते, पहली बार हुआ राजू भाई, हनी पैसा खर्च करके मुझको खरीदी, मेरी किस्मत भी मुझको कब तक चलेगी, एक न एक दिन हनी मुझको जरूर मिलेगी। दिख रहा है हनी के लिए तेरा प्यार, तेरी आंखों में लटकता हुआ मुझे, तेरे को हनी मिले नहीं मिले अपने को कोई निस्बत नहीं, राहुल किधर मिलेंगे ये बता। चल 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 चल, क्या देख रहा है? राहुल के लिए जगह कौन सी ठीक रहेगी, वो माइकल के बाजू ठीक है, बहुत बड़ा वाला है तू, दादाजी ढूंढने से नहीं मिलेंगे ऐसा मीट, मिस्टर मीट वाला कल्लू कसाई ऊंचा। दादाजी राहुल अपनी मस्ती में जी रहा होगा, वो किसी पार्लर में बैठकर हुक्का पी रहा होगा। You have a beautiful face and sexy lips. मैंने तुम्हारे पिक्चर्स एड एजेंसी को सेंड कर दिए, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वहां से तुम्हारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन उनके ऊपर एक वकील ने जूता। प्रिया तुम क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। तुम भी मॉडलिंग कर सकती हो राइट कनिका? या या बेबी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ, मुझे मेरे मेडिसिंस चाहिए। हाँ मेडिसिन रास्ते से पिकअप कर लूंगा। लेट्स कैच अप लेटर, ओके? या श्योर, प्लीज स्टे कनेक्टेड। बाय प्रिया, बाय बाय। बाय। अरे आया नहीं अब तक, टाइम नहीं है खुटी करने को अपने पास। राजू भाई वो आया। चल मालिकल मालिकल। सर कौन सा माल? कौन सा माल? अभी एक टन से पड़ेंगे ना तेरे को, तो आगे से गिल्ला पीछे से पिल्ला हो जाएगा समझा, फोड़ू फटका के निकलता है माल। माल निकल, चल 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 चल। सर इसकी जरूरत नहीं है, मैं कभी कभी माल पीता जरूर हूँ मगर बेचता नहीं हूँ सर। बेचता मतलब क्या? मैं तेरे से खरीद के पीऊंगा क्या माल? मैं बोला क्या तू डीलर है? तू निकाल माल, निकाल माल, निकाल। मैं भी जानता हूँ। अबे तू मेरे को कानून का मतलब समझाएगा रे? हाँ तू एक काम कर, व्हाट्सएप करके मेरे को कानून का मीनिंग समझा, समझा ना, मैं दिखाता हूँ तेरे को कानून है। घेरे वाला गाड़ी चल 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 अरे चल बेटा जीरो आर में हम आपके सामने एक बड़ा और 90% पाकिस्तान की जो गाड़ी रोकी मुझे जोर से लगी है। शंकर गाड़ी रोक, माता गाड़ी के दरवाजे भी बोलते रहे। चले उतार इसको उधर। तू भागने की सोचना भी नहीं समझा ना, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। किसमें? भागने में नहीं शूटिंग में, समझा? रुक, आजा पकड़ इसको। स्वतः गेला रे।
ए भाई, अगर ये अपने आप मर गया है तो अपन सेट है। हाँ देख ले एक बार भाई, जिंदा है क्या मर गया, उसका वो करना वो चेक, क्या बोलते उसको, वो रे पल्स। हाँ वो पाया, चेक कर उसका, देख ले भाई। आप उनके भेजे से बाहर है भाई, जिंदा है पता नहीं भाई। तो निकलो तुम लोग, निकलो, ए जाओ जाओ, निकलो निकलो निकल, अरे मैं आया तो निकलना। समीर तुम जानते हो किसी को भी पुलिस स्टेशन बुलाने से पहले समन्स भेजा जाता है, और तुमने बिना कोई कार्रवाई किए दिव्या को कैसे बुला लिया? क्यों? राहुल ने रेणु के साथ शॉपिंग मॉल में बदतमीजी की, तो तुमको रेणु से राहुल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करवानी चाहिए थी। सर एक्चुअली मैंने सोचा इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मुझे मालूम है कि वो लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि दिव्या राहुल को समझा सकती है। अक्सर ये छोटी लगने वाली बातें आगे जाकर बड़ी बन जाती हैं। इस केस में एग्जैक्टली यही हुआ है। अब देखो ना, दिव्या ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुमने उसे डराया, धमकाया, उसे जान से मारने की धमकी दी। उसका यह भी कहना है कि राहुल को गायब करने में और उसे मार डालने में तुम्हारा हाथ है। सो नाउ द नीडल ऑफ सस्पिशन इज ऑन यू। अब तुमको यह प्रूफ करना है कि राहुल मिसिंग केस और राहुल मर्डर केस दोनों में तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर वेरी सून सर आई कैन प्रूव माय इनोसेंस टू यू, टू योर सेटिस्फैक्शन सर। गुड, यू मे गो नाउ। जिगर कोई मार्केट में नहीं बिकता कि जो चाहे खरीद ले। मैं जिगर लेके पैदा हुआ हूँ, इसलिए जो काम करता हूँ छाती ठोक के करता हूँ। मेरी देख तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, तू मेरे बारे में क्या सोचता है ये तुझे ही मालूम होगा। तो फिर ये राहुल कहाँ गायब हो गया है? मुझे क्या मालूम, ये सवाल तू मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पुलिस के लिए तो पता लगाना बहुत आसान है, जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक दी चाय पी गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है दत्ता कि मुझे तेरे पे शक है। तू जानता है ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राहुल का बिजनेस से क्या लेना देना, फिर मैं उसके साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा? वैसे तू इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है? तेरा राहुल के साथ रिश्ता क्या था? है रिश्ता है दत्ता, बहुत बहुत करीब का रिश्ता है। अच्छा मुझे तो मालूम नहीं, और अगर मालूम होता भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं। आजकल दूध से घी नहीं निकलता दत्ता, लेकिन हम निकाल लेते हैं। अब क्या मैं इसे धमकी समझूं? ये तो पुलिस वालों की प्यार की भाषा होती है दत्ता। एक बात तो तय हो गई कि अगर हमारी दोस्ती नहीं तो कम से कम दुश्मनी तो नहीं। हो सकती है दुश्मनी अगर मेरा शक सही निकला तो। नाइस जैकेट। भाई ये समीर आपको अचानक कैसे मिलने आ गया? ये नया कबूतर राहुल कौन है रे? और इसके जीने और मरने से समीर को क्या फर्क पड़ता है? भाई राहुल को तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजू ने राहुल का गेम बजाया ये मैं जानता हूँ। अगर इस बात में सच्चाई है तो उस कबूतर के बच्चे से पूछ कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है, कौन है जो मेरे और समीर के बीच में इतनी दुश्मनी बढ़वा रहा है? भाई हटेला सीन पे है ही नहीं। अच्छा वो शीला बार में है, डांसर थी ज्योति, उसका आशिक है ना वो। मांस खाने के बाद साले ने हड्डी गले में लटका ली, खुद चौल में रहता और उसको फ्लैट दिया हुआ है।
उसके 26 को उठा लिया। चूहा खुद ब खुद बिल से बाहर निकल आया। जी भाई। चल 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 बैठ अंदर बैठ। आज जल्दी गुड। आर यू श्योर तुमको नहीं पता राहुल कहाँ चला गया? आर यू डाउटिंग मी? नो नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब हम सही है तो हम क्यों डर रहे हैं? मैं डर कर रहा हूँ रेनू, बस ये एक दो दिन का मेंटल बॉदरेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुमको पता है कि सच्चाई का पता लगाने में मुझे कोई वक्त नहीं लगेगा, बस डर ये है कि एक बार सच्चाई का पता लग गया तो फिर कहीं मेरा ना मेरा दिमाग ना घूम जाए मेरा, यू नो। नहीं समीर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और जो भी करोगे विद इन लीगल लिमिट्स करोगे। और तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना समीर? अरे मैं भी एक इंसान हूं यार, कल तक जो लोग मेरे नाम से कामते थे आज उनके बारे में सोचने पे मजबूर हो गया हूं मैं। बताइए अगर तुमने मेरा हाथ नहीं रोका होता ना तो अव्वल ये सब नहीं होता। और ऊपर से सालों की हिम्मत ये है कि मेरे सीनियर्स तो चले गए। अब मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इंक्वायरी इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, हर पुलिस स्टेशन में होता है ये, और मैं इकलौता पुलिस ऑफिसर थोड़ी हूँ जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। हाँ बोलो जाधव। सर खबर मिली है मक्खी जमर्डर केस की इंक्वायरी चालू हो गई है। अच्छा जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सर। भाई ये लड़की मुंह नहीं खोलेगी, बार वाली जो ठहरी। क्यों डरा रहे हो बेचारी को? प्यार से बोल दे तो ठीक है, वरना इसकी जुबान कट करने में हमें कितना टाइम लगेगा। ज्योति कहाँ है राजू? कौन राजू? मैं किसी राजू को नहीं जानती। बिना जान पहचान के उसने तुझे फ्लैट दे दिया, गाड़ी दे दी, मुंबई से नासिक बुला लिया। रफी। हाँ भाई। जरा इसे मेरे खटिया पे लिटा। ए लड़की चल। देखता हूँ कैसे मुंह नहीं खोलती चल, है। उठ, छोड़ो ये क्या बदतमीजी है। बार में बहुत लोग आते थे, जरूरी नहीं है मैं हर किसी को जानती हूँ। लेकिन राजू को तो जानती है ना? देख मेरी खबर कभी गलत नहीं होती, सब कुछ सच सच बता दे वरना तेरे इस कोरी चमड़ी को। हेलो क्या टाइम क्या हो रहा है, कहाँ हो तुम? राजू ज्योति हमारे साथ है, हम इसकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी कर रहे हैं।
भाई तू टेंशन ना ले बेटा। नहीं ना भाई, ज्योति इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है भाई। सवाल जवाब नहीं। देख राजू, अगर तू ज्योति की भलाई चाहता है तो चुप चाप इस वक्त मेरे मिल पे पहुंच जा। मैं आया भाई, मैं आया, लेकिन ज्योति को कुछ नहीं होना चाहिए भाई। और अगर तू नहीं आया तो ज्योति की पूरी मेहमान नवाजी हम करेंगे, तू जानता है ना। हाँ है भाई। अब जो मैं तुझसे पूछ रहा हूं उसका जवाब सही सही दे देना, वरना राजू ने राहुल को कब, कहां और कैसे मारा? मैं कसम खा के कहती हूं मुझे कुछ नहीं पता। कैसा आशिक है तेरा, हा? तुझे कुछ बताता ही नहीं और तू उससे प्यार किए जाती है। आने दे साले को, अगर उसने कुछ भी ड्रामेबाजी की तो मैं इन राजू आउट, समझी? नहीं समझी? समझाता हूं। सत्तार राजू आ गया। आओ भाई आओ। देखा भाई छोकरी का कितना वाट है, चल उसको अंदर लेके चलते हैं। आओ राजू भाई आओ। भाई भाई भाई, ये सब क्या जरूरत थी भाई इसकी? अरे पिक, भाई ने बुलाया होता तो राजू रब से डायरेक्ट आ जाता ना भाई के दरबार में। भाई ये सब ड्रामा बंद कर, ये बता राहुल किधर है? हाँ राहुल कौन? राहुल भाई, राहुल रफीक लेके जा इसको। नहीं 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 रफीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई 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 सुनो, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं इसमें ज्योति का भाई। अरे इसको टॉर्चर करके कुत्ते मिलेगा भाई। तो फिर बता तूने कब और कैसे मारा उसको और इसके पीछे किसका दिमाग है? बाबा भाई भाई मिस्टेक हो गया अपन से भाई, भाई मिस्टेक हो गया अपन से। आपको मालूम है ना भाई, अपन अपने सट्टे के धंधे में एकदम सेट था ना भाई, सेट है भाई अपन। लेकिन क्या है ना भाई, पैसा 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 किसको नहीं चाहिए होता है ना भाई। तो क्या है, ये लोग अपने पास ऑफर लेके आए भाई, तो अपन मुंह फाड़ा एकदम भाई, लोग ने ठूस दिया भाई। मैटर को लंबा मत कर, काम की बात बता, वरना पूरी की पूरी आज तुझी पे खाली कर दूंगा। नहीं 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 भाई, इसकी क्या जरूरत है? अपन बोलता है ना भाई, अपन हुक्का बार में पुलिस की वर्दी पहन के गया, राहुल को उधर से उठाया, अपन ने उसका गेम बजाया और फिर अपना स्पॉट डिसाइड था, सोमेश्वर गया उधर गोदावरी नदी में लाश को फेंक दिया, खलास। मास्टरमाइंड कौन था? वो कल्लू का साहब, बोला भाई गेम बजाओ गुरुजी सब संभाल लेंगे भाई। ये सब तो पुलिस के सामने बोलेगा? बोलेगा भाई बोलेगा, ज्योति को जाने दो बस। जब तक तू पुलिस स्टेशन में बयान नहीं देता, ज्योति इधर बहुत आराम से है। मैं देखा भाई, लेकिन ज्योति को कुछ नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो अपन खलास हो जाएंगे ना। बोला ना, हमारे धंधे में जुबान की कीमत है। बस सत्तार। हाँ भाई। साहब के पास लेके जाओ। हाँ भाई। उधर तूने बयान दिया, इधर तेरी ज्योति फ्री। चल राजू। चल सत्तार, चल 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 चल। एक रात पहले तुमने यूसुफ टोपी का कन्फेशन रिकॉर्ड किया, उसी रात मर्डर वेपन सीज किया, पंचनामा किया, अगली सुबह मखीजा को समन्स भेजा और उसी दिन दोपहर उसके होटल पहुंच गए, जुपिटर होटल, उसको अरेस्ट करने के लिए। व्हाई? यूसुफ के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे पूरा भरोसा था कि मखीजा सिर्फ एक नहीं कई सारे मर्डर्स में इन्वॉल्व था, एंड उसने यूसुफ को मुंह मांगे पैसे दे के प्लॉट नहीं कई सारे प्लॉट्स के मालिकों को और उनके इलीगल हेयर्स को बहुत बेरहमी से उनकी हत्या करवाई थी। सर आपको पता है कि मखीजा शहर का बहुत बड़ा बिल्डर था, तो अपने आप को बचाने के लिए वो पॉलिटिशियंस के दरवाजे खटखटाने वाला था, सो हैड टू एक्ट फास्ट। और यूसुफ के कन्फेशन से पहले ही जो बातें उसे मुझे बाद में बताई, ज़्यादा के थ्रू मुझे पता चल गई थी, तो मैंने उसके लिए ट्रैप सेट किया सर।
हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि वो जुपिटर होटल में रूम नंबर 107 में एक लड़की का वेट कर रहा था, तो सर हम लोग वहाँ पहुँच गए। ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी मी। तो मैंने सर बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि उनको कि आप सरेंडर कर लीजिए, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने हम पे गोली चला दी। इन सेल्फ डिफेंस एंड रिटेलिएशन में हम लोगों ने भी गोली चलाई और वो घायल हो गए। बट इमीडिएटली सर वी टुक हिम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट द डॉक्टर सेड दैट ही वॉज डेड ऑन एडमिशन। एंड अनफॉर्चुनेटली आई मीन यू नो हम लोग उसको जिंदा पकड़ नहीं पाए सर। आई मीन दैट्स वेरी सैड, इट्स रियली सैड। गुड जॉब समीर, वेरी गुड जॉब। ये केस पुलिस के लिए मजबूत बन गया। मखीजा ने जिस रिवॉल्वर से पुलिस के ऊपर फायरिंग की वो रिवॉल्वर उसी की थी, उसी के नाम पे। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रिवॉल्वर वर्किंग कंडीशन में थी और बुलेट भी मैच हो गई। एक्चुअली मैंने सारे रिपोर्ट्स पढ़े थे, मुझे सिर्फ तुमसे सब कुछ सुनना था। गुड वर्क समीर। थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। किधर है, किधर है तेरा गुरुजी, सब संभाल लेगा, करना लगाना फोन। किधर है उसकी वो प्राइवेट लिमिटेड हनी? हाँ साले, तेरे चक्कर में, तेरे चक्कर में मैं मरो ना इधर में। दादाजी मेरे बोल रहे थे कब्रिस्तान में मत कर, कमीन जिंदगी का बाप। निकालना इधर से यार। और बात गाली बाग मुझे, इसी लायक हूँ मैं, तेरा गुस्सा जायज है। चुप बैठ, धीमी बात कर। ये हनी की वजह से तीन घर बर्बाद हुए हैं, एक तेरा, एक मेरा और एक राहुल का। एक का तेरा घर बर्बाद, पिसोत दी। हाँ। पर मौत मौत तेरी मौत मरेगी ये हनी, कीड़े पड़ेंगे इसको। तू क्या सोचता है मैं बहुत खुश हूँ? मेरे बच्चों की याद आ रही है, मेरी बेगम रोती होगी। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको। अल्लाह उसको माफ करे नहीं करे, पहले मैं तेरा काम इधर कर दूंगा। इस चार दीवारी में एक बात समझ में आई, हम अगर किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो मौत भी देने का अधिकार नहीं। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चूक गई खेत। मैम मुझे राजू से मिलना था। क्या नाम है आपका? ज्योति। अच्छा ज्योति, बार डांसर ज्योति। वैसे तो मुंबई से नासिक कब आई? मुझे राजू से मिलना है। पवार साहब जी, इन्हें राजू से मिलाइए। अच्छा आइए। ये रहा आपका राजू। ज्योति घर पे जा, तू जा। क्यों नहीं आना था? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जगह में अभी। तुमने ऐसा क्यों किया राजू? दिमाग खराब हो गया था अपना, बस जाना तू, घर जाना। झूठ, एकदम झूठ। राजू मर्डर कोई ऐसे ही नहीं कर देता। अरे यार बोला ना, पैसा देख के दिमाग घूम गया, सोचा नहीं, कर डाला। जाना घर अभी तू। ये सब करने से पहले एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। तेरे बारे में ही सोच के किया ये पैसा? मैं, मेरे को तेरे लिए चाहिए था, तेरे को कुछ रखने वाला था। अभी जाना घर। तू गलत सोचता है राजू, इंसान को खुशी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती है, इंसान को खुशी उसके प्यार करने वाले के साथ मिलती है, समझे तुम? और पैसों का क्या है, पैसे तो मैं मुस्कुरा कर ही कमा लेती थी, पर तेरे एक बुलाने पर मैं मुंबई छोड़ के नासिक आ गई। ये प्यार नहीं है तो क्या है? अरे रे रे, ये मिस्टेक हो गया रे। बाहर में पैसे लुटाने वाले बहुत मिलते थे, लेकिन प्यार लुटाने वाला कोई नहीं। हाँ अभी सब खलास, अपना टाइम खलास, तू जा घर जा, खत्म हो गया ना सब अभी। अरे यार अभी तू जा घर जा। नहीं
तू चिंता मत कर, तुझे अपनी गलती का एहसास है ना, तो मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, इस शहर का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करूंगी और तुझे यहां से छुड़ा के लेके जाऊंगी। अगर फिर भी मैं यहां से नहीं लेके जा पाई तो सारी जिंदगी मैं तेरा इंतजार करूंगी। मैडम बहुत हो गया, अब चलिए। अरे तू कहां जा रहा है, बैठ बैठ बैठ, बोला क्या जाने को तेरे को? मेरे को समझा ही नहीं रहे इतने टाइम से कल्लू, ज्योति मेरे माल से नहीं मेरे से प्यार करती है रे। सर, राहुल मिसिंग केस का आरोपी राजू को दत्ता के आदमी सत्तार ने जमा करवाए और उसका मर्डर कराने वाला और कोई नहीं गुरुजी ही है। अच्छा, अभी अभी बार डांसर ज्योति आरोपी राजू को मिलके गई है। तो मैं बिना वजह दत्ता पे शक कर रहा था, लेकिन ये गुरुजी के राहुल से क्या दुश्मनी हो सकती है बे? सर आपने दिव्या को पुलिस स्टेशन बुलाया था और वो गुरुजी के आश्रम में काम करती है और ये अच्छे टाइप के लोग नहीं है, क्रिमिनल लोग है। ओके। सर कहीं गुरुजी नहीं तो मकीजा की फाइल तो नहीं ओपन करवाई। समझ में आया, शिट। चल ठीक है, ओके। तुमसे मिलने आ गया, अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? समीर से मेरी दोस्ती टूट गई और तुम छुपके बैठी हो बस। तेरे हाथ इतने गीले क्यों हैं? छुपा रही है क्या मुझसे? कैसे बताऊं मैं तुझे दत्ता? मुझसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? हाँ, तेरा है कौन और? क्या हुआ बता, मैं हूं ना हमेशा तेरे साथ, बोल क्या हुआ? दत्ता मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। तूने जो उस रात मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाला, मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी और क्या किया तूने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने समीर को रेनू के आगे एक्सपोज कर दिया दत्ता। ये क्या किया मैंने? मैंने जरा भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दत्ता। ये तूने क्या किया? क्या किया? अब समझा, इसलिए रेनू ने समीर को भड़काया और समीर ने अपनी दोस्ती खत्म कर दी। मैंने तुझे क्या समझा तू और तू क्या निकली? अब मैं क्या करूं? गला घोटते मेरा, मार डाल मुझे, रुक मत, और अपने अंदर के इंसान की मत सुन दत्ता, मार डाल मुझे।
मुझे नहीं मार सकते ना, तो क्या हुआ? मैं तो खुद को खत्म कर सकती हूँ। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? मैं आता हूँ, जरा दो तीन काम निपटाने मुझे, तू अपना ध्यान रखना ठीक है? अभी कुछ बाकी है क्या? यार देख, मेरी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। जो तूने किया ना मेरे लिए, वो कोई दोस्त ही कर सकता है। गुरुजी ने राहुल को क्यों मरवाया? इसका जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मिलके बात करते हैं फिर। ठीक है, मिलके बात करते हैं फिर। राहुल मिसिंग केस की मिस्ट्री अनफोल्ड हो गई है। राहुल इज डेड। क्या राहुल मर चुका है? किसने मारा उसे और क्यों? मैं बिना वजह दत्ता पे शक कर रहा था, असली में इसका रिमांस तो कोई और ही है। ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं उससे मिलती और ना ये सब कुछ होता। क्या, कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा नेचर अच्छे से जानती हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती। समीर, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना कभी होगा। और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो तुम इतना एक्सट्रीम में मत सोचो ना। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एंड बिलीव मी, इस पूरी दुनिया में किसी और से इतना प्यार नहीं करता जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपके लिए बहुत बुरी खबर है गुरुजी, राजू इस समय लॉकअप में है। दत्ता सालवी ने उसे जमा करवाया है। उसकी इतनी हिम्मत? राजू अपना मुंह खोल चुका है, पुलिस पार्टी आपको पकड़ने के लिए निकल चुकी है। आगे आपको क्या करना है आप तो जानते ही हैं गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसका फोन था महादेव? राजू पकड़ा गया। क्या? जिसे अपना छोटा भाई समझते थे, वही आस्तीन का सांप निकला। तो लगाइए बड़े से बड़े अधिकारी और मंत्री को फोन और दिखा दीजिए उसे कि हमसे बगावत करने का अंजाम अपनी मौत को दावत देना होता है। कुत्तों को घी नहीं पचता, उन्हें तो हड्डी डाली जाती है ताकि वो हमारी आज्ञा का पालन कर सकें। लेकिन जब हम कुत्तों के हाथ सुराग लग जाता है पागल हो जाते हैं और अपने ही मालिक को काट लेते हैं। वक्त चुप बैठने का नहीं है, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, करना होगा। क्या सुन रहा हूँ मैं? तूने सट्टेबाज राजू हठेला को जमा करवाया? राहुल के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? इस वक्त कहाँ है तू? मिल में हूँ, किसी की मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहा है तू। काम ही ऐसा है? फुर्सत से बैठ के एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करेंगे। हर हर। Hmm.
मार सत्तर मार मार सत्तर मार ठीक इतना मत मार के मर जाए भाई बड़ी मुश्किल से हाथ आया ये हुकूमत रहा है साले की मार मार के हड्डी तोड़ दी लेकिन जबान खोलता ही नहीं है झूठ मत बोल जिस वक्त गुप्ता उस लड़की के साथ लगा हुआ था तूने उसे फोन किया चने की छाड़ पे चढ़ाया लड़की वहीं मौजूद थी और इस शहर में चलने वाली लड़कियां बहुत कम हैं। भाई मैंने एक शब्द और बोला ना वो मुझे मार डालेंगे तुझे क्या लगता है हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे क्या किया तूने एक और खून कर दिया तेरे को साले क्राइम वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं और तू एक छाती पे मेडल ठोके जा रहा है क्या कर रहा है ये अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये हम दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाता इसी साले ने गुप्ता को बोल के मखीजा की फाइल खुलवाई है बना दिव्या बना इसके सो कॉल्ड लवर को तो पता चले कि हनी क्या चीज है समीर मेरे जान की परवाह मत करना और ये लोग जो कह रहे हैं ना कभी भी मत करना समीर और तूने ये मखीजा का एमओयू क्यों नहीं दिया अब तक मुझे तो क्या करेगा मैं लेके क्या करेगा मतलब उसे मना कर दिया था यार इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई कैसे अब दत्ता तूने पूछे नहीं मुझसे मैंने बताया नहीं सिंपल है यार भेज दिया कब का रिसीव ही हो गया हर हर महादेव तो तूने उसको मार क्यों दिया मैं मार नहीं रहा था यार मैं सिर्फ बात करने वाला था उससे लेकिन उसने बात ही ऐसे की कि सारा दिमाग सरक गया यार मैं धमकी कहाँ दे रहा हूँ चल ठीक है फिर मैं चलता हूँ ओके समीर अपन तेरे को खाली हाथ नहीं जाने देंगे वो तेरी वाली आई थी ना घर देखने को पांचवें माले का फ्लैट पसंद आया था उसे है? पैसे के लिए किचकिच कर रही थी सच पूछो तो अगर उस दिन मैंने पैसा कुछ घटा दिया होता ना तो अब तक तो फ्लैट बिक गया होता अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अब तो घर की बात है वो फ्लैट मैं तेरे को गिफ्ट कर दूंगा खुश तू भी खुश अपन भी खुश सौदा मंजूर तो फिर लगा फोन और उसे खुशखबरी दे दे तो सालों की यही परेशानी है प्रॉब्लम है तुमको किससे किसके बारे में कैसे बात करनी है तुम जानते नहीं हो और तेरे को पता है कि मैं जो औरतों की इज्जत नहीं कर पाता हूँ टॉयलेट नहीं कर पाता हूँ बस हो गया मेरे से कांड मैं तो मर गया अभी गुरुजी से प्लॉट के नाम पे पैसे ले चुके हैं उनको सच्चाई पता चलेगी क्या करेंगे हम हर हर महादेव दत्ता कहा था ना ठुल्ले से दोस्ती मत करना किया तो विश्वासघात करेगा ही पर तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा पहले समीर बंदूकबाज बहुत गोलियां चलाई तुमने यशवंत इस पे दस्तखत कर दो ये
ये क्या है? सोच मत, दस्तखत कर दे, इसी में तेरी भलाई है। तेरी जन्म कुंडली जानता हूं मैं, विशंभर दयाल शर्मा। ओहो, विशंभर दयाल शर्मा, तूने मुझे नाम से पुकारा, तेरी इतनी हिम्मत? सारी दुनिया मुझे गुरुजी के नाम से जानती है। इस कमीनी और इसके वो सो कॉल्ड पुलिस वाले बॉयफ्रेंड की वजह से आज मेरा राहुल मुझसे दूर है। ये क्या है? बोल, वरना मुझसे तेरी रूह भी कांपेगी। बोल, देखो तुम लोग अगर मुझे मार भी लोगे ना, कभी नहीं बोलूंगी। मैं कैसे विश्वास करूं कि मैंने इस पे साइन कर दिया तो तुम उसको छोड़ दोगे? और कोई रास्ता ही नहीं है, विश्वास तो करना पड़ेगा। इधर तुमने साइन किया और उधर मैंने उसे आजाद किया। समीर को पता चल गया ना तो क्या कर देगा वो? सोचने का वक्त नहीं है साइन। इसके पिछवाड़े पे ए ठुल्ली, जबान संभाल कर बात कर। इस शहर में ऐसा कोई थाना नहीं बना जो हनी को 24 घंटे से ज्यादा रोक सके। यूं वापस आऊंगी, यूं और तुझे मैं देख लूंगी साली। तेरी रूह कांपेगी मुझसे, तेरी रूह कांपेगी महादेव। समीर कहाँ है? सर तू मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। खत्म। ये आपने क्या कर दिया गुरुजी? सारा साइन तो किया उसने, उसे गोली मारने की क्या जरूरत थी? धीरे बोल दत्ता, धीरे बोल। बाप बनने की कोशिश मत कर, तेरे से मोहब्बत करता हूँ इसलिए अभी तक तू जिंदा है। तेरी और मेरी बेगुनाही के सबूत जिस स्टैम्प पेपर में है दत्ता। चल चल मेरे साथ। Congratulations, Renu. He's out of danger now. You see, Renu, ऐसे patients का कोमा से बाहर आना बहुत मुश्किल बात है. Well, it's all because of God's grace, and you can take him home. ठीक है? Excuse me.
खुशी को दे दो मुझे गम, तुम रोना